बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद हुसैन। आई एम टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ 8th क्लास। टुडे इज आवर 10th लेक्चर। प्रीवियस 9th लेक्चर में हमने ग्लेशियर के बारे में डिस्कस किया था। ग्लेशियर जो कि एक लैंडफॉर्म चेंज एजेंट है, ये भी दीगर लैंडफॉर्म चेंज एजेंट्स की तरह तीन जो है वर्क सर अंजाम देता है, जिसमें एरोजनल वर्क है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है, और एंड पे जो है वो डेपोजिशनल जो है वो लैंड फॉर्म जो है ये क्रिएट होते हैं ग्लेशियर के अमल से। ग्लेशियर जो है जिसको हम रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं, बिग मैस ऑफ आइस भी कहते हैं, ये बर्फ का पहाड़ भी जो है इसको कह सकते हैं। ग्लेशियर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से बताया जा चुका है। ग्लेशियर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ग्लेशियर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं और दूसरे वैली ग्लेशियर्स हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो हैं वो ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका, ये एग्जांपल आपको दी थी। इसी तरह जो वैली ग्लेशियर्स हैं ये हायर माउंटेन्स की पीक्स पर जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है। माउंटेन पीक्स पे जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर लेस टेम्परेचर होता है और वहाँ पर रेनफॉल की बजाय स्नोफॉल होती है, तो स्नोफॉल विद द पैसेज ऑफ टाइम स्नोफॉल की एक लेयर के ऊपर लेयर जो है वो डिपॉजिट होने के नतीजे में ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है। ग्लेशियर जो है बेसिकली जब आइस फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से टुवर्ड्स वैलीज की तरफ मूव करती है, तो इस मूविंग आइस को हम ग्लेशियर का नाम देते हैं। अब ग्लेशियर जो है वो तीन एक लैंडफॉर्म चेंज एजेंट है जो कि तीन मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देता है, जिसमें एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन शामिल है। एरोजनल वर्क जो है ग्लेशियर का वो हम प्रीवियस 9th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एरोजनल लैंडफॉर्म एक ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर के वर्क से बनते हैं। आज हम जो है ग्लेशियर का सेकंड जो वर्क है ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन, ये इससे बनने वाले जो लैंड फीचर्स हैं उनके ऊपर जो है वो हम रोशनी डालेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि एरोजनल जो फीचर्स हैं ये बेसिकली ग्लेशियर के टॉप ऑफ द माउंटेन जब ग्लेशियर मूव करता है वैलीज की तरफ, तो अपने वेट से जो है आइस का जो है वेट होता है, उसकी वजह से जो रास्ते में रॉक्स हैं तो उसमें रॉक्स को जो है ये उसमें एरोजन यानी अम्ले कटाव करता है, जिसके नतीजे में जो है वो रॉक्स जो हैं वो उसमें जो है टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो ये जो है ये मटेरियल फिर ग्लेशियर के साथ जो है डाउन स्लोप की तरफ मूव करता है। एरोजनल प्रोसेस जो है वो पहाड़ों की टॉप ऑफ हायर उसमें जो है हाई लैंड के पर सरंजाम पाता है, जबकि डेपोजिशनल जो फीचर्स हैं ग्लेशियर जो के अमल से बनते हैं वो लो लैंड एरियाज यानी वैलीज में जो है वो बनते हैं। डेपोजिशन से मुराद ये है कि जब ग्लेशियर अपना ट्रेवल कंप्लीट करके फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से जब उसमें वैलीस में एंटर होता है, तो वैलीस में वहाँ पर स्लोप ख़त्म हो जाती है, तो उसमें जो ग्लेशियर की मूवमेंट जो है वो वहाँ पे तकरीबन एंड हो जाती है। तो स्लोप ना होने की वजह से ग्लेशियर की जो है आइस वहाँ पे स्प्रेड ओवर हो जाती है, तो ग्लेशियर जो अपने साथ मटीरियल कैरी किया होता है ग्लेशियर ने वो भी वहाँ पर वैलीस में जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ग्लेशियर के उसमें
वहाँ पर मटेरियल को डिपॉजिट करने के नतीजे में जो फीचर्स बनते हैं, आज हम उन के ऊपर जो है वो डिटेल से उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स मेड बाय द ग्लेशियर, डेपोजिशनल लैंड फॉर्म जो ग्लेशियर बनाता है वो कौन से हैं, इसमें उनको डिस्कस करने से पहले जो है ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम डेपोजिशनल लैंड फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से हैं। अ ग्लेशियर कैरीज मच हैवियर एंड ऑल्सो लाइटर मटीरियल्स टू ग्रेटर डिस्टेंस, यानी ग्लेशियर जो है वो उसमें हैवी मटेरियल, उसमें जो है बड़े बड़े पत्थर आप इसको कह सकते हैं, और इसी तरह लाइटर मटेरियल इसमें स्मॉल पेबल्स या उसमें जो है जब रॉक्स उसमें रोल आउट हो के पेबल्स को उसमें जो है तो बड़े पत्थर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल स्टोन्स में वो, और इसी तरह कंकर वगैरह जो है दीगर अगर कोई उसमें जो है मटेरियल है तो हैवियर और लाइटर दोनों मटेरियल जो है वो ग्रेट डिस्टेंस से मुराद है फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से टुवर्ड्स वैलीज की तरफ, तो ये एक अच्छा खासा जो है वो डिस्टेंस जो है वो इसमें ग्लेशियर जो है वो उसको कवर करता है। दिस मटेरियल इज डिपॉजिटेड एज अ ग्लेशियर मेल्ट्स और रिसीड्स, अब ये जो मटेरियल इसने ग्लेशियर ने कैरी किया होता है ये डिपॉजिट यानी कहीं पर ये जमा हो जाता है जब ग्लेशियर की आइस मेल्ट होती है और उसमें जो है वो उसमें वैलीस में जब अपना सफ़र का उसका इख्तिताम होता है तो आइस के मेल्ट होने के नतीजे में जो है वहाँ पर मटेरियल जो है वो वैलीस में डिपॉजिट हो जाता है। देयर वर वाइड एरियाज ऑफ लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट एक्सपीरियंस्ड एडवांस्ड ऑफ लार्ज आइस शीट ड्यूरिंग द आइस एज ओवर 30,000 ईयर्स अगो, तकरीबन 30,000 साल पहले का जो पीरियड था उसको हम आइस एज भी कहते हैं, तो उसके उसमें जो है आइस एज में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ जो है उसको अगर हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो सेंट्रल जो लाइन है वो इक्वेटर कहलाती है, इक्वेटर से जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ नॉर्थ की जानिब जो है जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, जबकि इक्वेटर से टुवर्ड साउथ की तरफ जो है जो एरिया है वो उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड का पोर्शन ज्यादा है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर का पोर्शन ज्यादा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइस एज के दौरान उसमें जो है उसमें वाइड एरिया जो है लैंड जो है उसने कवर किया हुआ था आइस से, तो जिस जो के तकरीबन 30,000 साल पहले का एरिया था, 30,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को के ज्यादातर हिस्से को बर्फ ने घेरा हुआ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसमें जो है उसमें जो है वो आइस जो है उसमें मेल्ट होती गई और उसमें जो है अब माउंटेन जो हायर माउंटेन्स हैं उनकी पीक्स ने आइस ने कवर किया हुआ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो ग्रीनलैंड का पोर्शन अलास्का इसी तरह एक्सट्रीम जो नॉर्थ के इलाके हैं वो जो है आइस से कवर हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ डेपोजिशनल लैंड फॉर्म लेफ्ट बाई एडवांसिंग एंड रिसीडिंग ग्लेशियर्स इज फाउंड इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट है यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर हायर माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो इन हायर माउंटेन्स की टॉप पे जो है वो ग्लेशियर्स जो है पाए जाते हैं, जब ग्लेशियर उसमें वैलीज की तरह मूव करते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो डेपोजिशनल लैंड फॉर्म जो है वो मार्जे वजूद में आते हैं। अब नेक्स्ट वन जो है वो उसमें जो है वो हम देखते हैं कि कौन से डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं जो कि ग्लेशियर जब मूव करता है फ्रॉम द वैलीज की तरफ तो कौन कौन से फीचर्स जो है वो बनाता है। फर्स्ट वन इज एरेटिक्स, जो पहला फीचर बनता है ग्लेशियर के वैलीज की तरफ मूव करके जब आइस उसमें जो है ग्लेशियर अपना
सफ़र का इख्तिताम होता है तो जब वैलीस में अपने आइस को स्प्रेड आउट कर देता है तो पहला फीचर जो है वो उसको हम एरेटिक्स कहते हैं। अब एरेटिक्स क्या है? अ मैसिव आइस शीट ग्लेशियर कैरीज मच लार्ज लम्स ऑफ रॉक्स। जो मैसिव आइस शीट है या जो कि ग्लेशियर है वो अपने साथ लार्ज लम्स ऑफ रॉक्स अपने साथ लाता है, यानी रॉक्स चट्टानों के बड़े बड़े पीसीस कह लें, लम्स पार्ट्स या टुकड़े उसको जो है वो कह सकते हैं, नोन एज बोल्डर्स। तो ये जो लार्ज लम्स ऑफ रॉक्स हैं इनको बोल्डर्स कहा जाता है, ये एक जोग्राफिकल टर्म है। तो ये जो बोल्डर्स हैं ये उसमें आइस के साथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से टूवर्ड्स वैलीज की तरफ मूव करके वहां पे ये पहुंच जाते हैं एंड लेफ्ट दीज स्कैटर्ड ओवर वाइड एरियाज। ये जो बोल्डर्स हैं ये आइस इनको स्कैटर्ड कर देती है एक वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया, यानी क्योंकि आइस का मैस ज्यादा होता है तो आइस ने बहुत काफी एक मैसिव आइस होती है। तो उसके साथ जब ये बोल्डर्स डाउन स्लोप की तरफ आते हैं तो जब आइस इनको वैलीज में स्प्रेड आउट होती है तो अपने साथ इन बोल्डर्स को भी स्प्रेड आउट कर देती है बड़े वाइड एरियाज पे। वाइल रिसीडिंग जब ये आइस जो है मेल्ट होती है उसमें उस दौरान दीज एरेटिक्स आर लार्ज। ये जो एरेटिक्स हैं ये जो है इनका साइज, ये साइज में बड़े होते हैं, राउंडेड एंड डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मटेरियल। तो जो ऑलरेडी वैलीस में मटेरियल स्मॉल स्टोन्स या उसमें जो मटेरियल वैलीस में मौजूद होता है, ये जो एरेटिक्स हैं जो मटेरियल लार्ज लम्स ऑफ रॉक्स या इन्हें आप बोल्डर्स कह लें, ये जो मटेरियल ग्लेशियर ने कैरी किया होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से, ये जो ऑलरेडी वैलीस का मटेरियल है रॉक्स का मटेरियल या जो उसमें रॉक्स पाई जाती हैं उससे थोड़ा चेंज होता है। एट प्लेसेस एस्पेशली इन इंग्लैंड दीज एरेटिक्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट हार्ड इग्नियस रॉक्स। तो ये इन इंग्लैंड में जो है ये जो एरेटिक्स हैं ये ज्यादातर ग्रेनाइट जो कि एक इग्नियस रॉक्स है और इंतहाई सख्त रॉक होती है ये उसके बने हुए होते हैं, यानी एरेटिक्स जो है ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से जो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक उसमें टॉप ऑफ द माउंटेन पे ग्रेनाइट रॉक मौजूद होती है वो ग्लेशियर अपने साथ उसको स्मॉल पीसेस में उसमें एरोड करके उसको कैरी करके डिपॉजिट कर देता है वैलीस में, जिसको एरेटिक्स कहा जाता है। और ये इंग्लैंड में जो है ये ग्रेनाइट जो हार्ड इग्नियस रॉक्स है ये ज्यादातर जो एरेटिक्स जो है वो ग्रेनाइट रॉक से बने हुए होते हैं, यानी इनका मटेरियल इग्नियस रॉक पर मुश्तमिल होता है जो कि ग्रेनाइट पर ग्रेनाइट रॉक होती है। सेकंड जो फीचर है वो ग्लेशियर के डेपोजिशनल जो फीचर बनता है वो कहलाता है टिल, TILL। अ ग्लेशियर व्हेन रीचेस इन द वैलीज लेफ्ट मिक्स वैरायटी ऑफ मटेरियल इज नोन एज टिल। जब ग्लेशियर वैलीज में जो है उसका सफर का अख्तितम होता है तो अपने साथ जो मटेरियल उसमें लाता है तो ये मिक्स वैरायटी ऑफ मटेरियल होता है जिसको हम टिल का नाम देते हैं। एरेटिक्स तो हो गए जो बड़े पीसीज हैं मच लम्स ऑफ रॉक्स, इसी तरह ग्लेशियर के साथ जो है मिक्स वैरायटी या मटेरियल भी ग्लेशियर अपने साथ कैरी करके लाता है जो कि टिल कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड सैंड दैट आल्सो कंटेन्स लार्ज एंड स्मॉल स्टोन्स। ये जो टिल है ये मटेरियल क्ले जो जिसको चिकनी मिट्टी कहा जाता है एंड सैंड रेत का पत्थर दैट आल्सो कंटेन्स लार्ज एंड स्मॉल स्टोन्स, और इसी तरह इसमें जो है छोटे और बड़े पत्थर भी जो है ये भी इसमें जो है वो शामिल होते हैं। इन मैनी एरियाज ऑफ इंग्लैंड टिल कंटेन्स चॉक एंड ग्रेनाइटिक स्टोन्स। इंग्लैंड में जो टिन है वो टिल है वो चॉक और ग्रेनाइटिक स्टोन्स पर मुश्तमिल होते हैं। टिल को एरेटिक्स जो है वो
लार्ज लम्स ऑफ रॉक्स हो गए, और टिल जो है मिक्स वैरायटी ऑफ मटेरियल जिसमें क्ले सैंड और इसमें जो है स्मॉल स्टोन्स वगैरह शामिल हैं। ये दीस आर टू फीचर्स। नेक्स्ट वन इज मोरेन्स। जो थर्ड जो है वो लैंड फॉर्म जो है वो डेपोजिशनल लैंड फॉर्म ग्लेशियर जो है वो उसमें बनाता है, उसको मोरेन्स कहते हैं। मोरेन्स की ये जो है डायग्राम भी आपको इसमें जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें लेटरल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स एंड टर्मिनल मोरेन्स, ये थ्री टाइप ऑफ मोरेन्स हैं। इनको अभी जो है डिस्कस किया भी जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लेटरल माउंटेन मोरेन्स जो है वो टॉप पे मौजूद हैं, मीडियल सेंटर में हैं, और टर्मिनल जो है वो एंड पे, यानी एंड ऑफ द ग्लेशियर पे टर्मिनल मोरेन्स हैं। तो ये इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखते हैं कि मोरेन्स और लेटरल, मीडियल और टर्मिनल मोरेन्स कौन क्या हैं। मोरेन्स अ ग्लेशियर मूविंग ओवर माउंटेन स्लोप कैरीज मच रॉक मटेरियल्स कॉल्ड मोरेन्स। ग्लेशियर जो है जब उसमें माउंटेनियस स्लोप से वैलीज की तरह मूव करता है तो उसके साथ रॉक मटेरियल जो है अपने साथ कैरी करता है, जिसको मोरेन्स कहते हैं। रॉक यानी चट्टानी मटेरियल, ये भी स्टोन्स आप कह सकते हैं इसको, जो है रॉक मटेरियल जो उसमें ग्लेशियर अपने साथ कैरी करता है, वो बेसिकली उसको टर्म दी जाती है मोरेन्स की। रॉक मटेरियल दैट फॉल्स ऑन द साइड ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड लेटरल मोरेन्स। ये जो लेटरल मोरेन्स है ये ग्लेशियर की साइड पर, यानी जो है उसमें ग्लेशियर की साइड्स पर जो मटेरियल कैरी करता है अपने साइड के साथ साथ, वो लेटरल मोरेन्स कहलाता है। व्हेन सच मटेरियल मटेरियल बिलोंग्स टू टू मर्जिंग ग्लेशियर इट इज टर्म्ड एज मीडियल मोरेन्स। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है दो ग्लेशियर्स हैं, तो मीडियल मोरेन्स ये सेंटर में, तो दो ग्लेशियर्स हैं उनके सेंट्रल वाला जो उसमें मटेरियल है उनके सेंटर में जो मटेरियल कैरी करके ये लाते हैं, तो ये सेंट्रल जो पार्ट है दोनों ग्लेशियर का मीटिंग या ज्वाइनिंग पॉइंट जो है, जो सेंटर में मटेरियल होता है उसको मीडियल मोरेन्स कहा जाता है, जो कि ग्लेशियर अपने साथ कैरी करते हैं। ऑन द एंड मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर मच रॉक मटेरियल इज लेफ्ट वाइट स्प्रेड ऑन द फ्लोर ऑफ द वैलीज। ग्लेशियर के एंड में ये आपको इसमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये जब ग्लेशियर इसमें वैलीज में पहुंचते हैं, तो अपने एंड पे जब उनका ग्लेशियर के एंड पे जो उसमें मटेरियल आया होता है आइस मेल्ट होने के बाद, जब ये मटेरियल वैलीज में स्प्रेड ओवर हो जाता है, इट इज टर्म्ड एज टर्मिनल मोरेन्स। इसको आप कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर का एंडिंग जो मटेरियल है जो ग्लेशियर अपने साथ कैरी करता है वो टर्मिनल मोरेन्स कहलाता है। यानी मोरेन्स बेसिकली वो मटेरियल या वो मवाद है जो ग्लेशियर अपने साथ कैरी करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से वैलीज की तरफ। इसमें जो है लेटरल मोरेन्स जो है वो उसका जो है ग्लेशियर का साइड पे जो है ग्लेशियर के साइड वाला मटेरियल जो है जो अपने साइड साइड के साथ कैरी करते हैं वो लेटरल मोरेन्स कहलाता है। मीडियल मोरेन्स दो ग्लेशियर्स के सेंटर में जो मटेरियल कैरी होता है उसको मीडियल मोरेन्स कहा जाता है, और ग्लेशियर्स के एंड में जो है ग्लेशियर्स अपने साथ जो मटेरियल कैरी करते हैं उसको हम टर्मिनल मोरेन का नाम देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डर्मलिन्स, ड्रमलिन्स। फोर्थ फीचर जो डेपोजिशनल फीचर बनता है ग्लेशियर का उसको ड्रमलिन्स कहा जाता है। इन सम एरियाज एन आइस शीट लीव्स इट्स मटेरियल इन स्मॉल हीप्स ऑफ सैंड क्ले मिक्सचर कॉल्ड ड्रमलिन्स। कुछ एरियाज में जो है वो जब आइस जो मटेरियल उसमें मिक्स टाइप ऑफ मटेरियल
जो है आइस के साथ कैरी होता है, जिसमें सैंड, रेत का पत्थर, चिकनी मिट्टी, मिक्स मटेरियल जो है, स्मॉल हीप, स्मॉल स्टोन्स वगैरह, ये सब जो है एक साथ जो स्मॉल टाइप ऑफ मटेरियल है, इसको इसको नाम दिया जाता है ड्रमलिंस का। दीज हीप्स आर हार्डली आ किलोमीटर इन लेंथ एंड सम 60 to 70 meter हाई। अब ये जो है मटेरियल जो है, जब आइस मेल्ट हो जाती है, तो ये आइस मेल्ट होने के बाद जब ये जो मटेरियल स्मॉल मिक्स टाइप ऑफ मटेरियल आइस ने या ग्लेशियर ने अपने साथ कैरी किया हुआ होता है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है ये स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इसकी लेंथ तकरीबन 1 किलोमीटर होती है, और इसी तरह 60 to 70 meter हाई, इसी तरह इसकी जो हाइट है स्मॉल जो है मटेरियल, जिसको ड्रमलिंस कहा जाता है, जब वैलीज में ये स्प्रेड आउट हो जाता है, 1 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है और 60 to 70 meter हाई इसकी हाइट होती है इस मटेरियल की, ड्रमलिंस की, जो के ग्लेशियर वैलीज में स्प्रेड आउट कर देते हैं। स्मॉल हीप्स ऑफ सैंड, क्ले एंड मिक्सचर मटेरियल जो होता है, इसको ड्रमलिंस कहा जाता है। दीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न आयरलैंड। ये ड्रमलिंस जो है वो ज्यादातर नॉर्दर्न आयरलैंड में पाए जाते हैं, इसी तरह मिडलैंड वैली ऑफ स्कॉटलैंड एंड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी ड्रमलिंस जो है ये पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज जो लास्ट फीचर है, डेपोजिशनल फीचर जो ग्लेशियर बनाता है, उसको आइस बर्ग्स कहा जाता है। फिफ्थ वन इज आइस बर्ग्स। व्हेन अ ग्लेशियर फ्लोस राइट डाउन टू अ सी, इट ड्रॉप्स इट्स लोड ऑफ मटेरियल इन द सी। जब ग्लेशियर अगर किसी समुंदर के साथ, सी के साथ जो है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से वैली की तरफ मूव करें, तो अपना जो मटेरियल है ये क्या है, वो उसको किस में ड्रॉप आउट कर देते हैं, जो अपने साथ मटेरियल कैरी किया हुआ होता है, उसको समुंदर में जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। हेयर इट्स एंड पीस ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द मेन ग्लेशियर फॉर्मिंग एंड आइसबर्ग। तो इसमें जो है ग्लेशियर का जो एंड पीस है वो मेन ग्लेशियर से अलग होकर जो है आइसबर्ग जो है फॉर्मेट करता है। आइसबर्ग की फॉर्मेशन कब होती है, जब मेन ग्लेशियर से उसका जो है एंड पीस जो है बड़े मेन ग्लेशियर से अलग हो जाए और समुंदर का पार्ट बन जाए, तो उसको आइसबर्ग कहा जाता है। आइसबर्ग्स मैसेज ऑफ आइस ब्रोकन फ्रॉम ग्लेशियर्स अलोंग विद ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। ये जो आइसबर्ग है बेसिकली मैसेज ऑफ आइस ब्रोकन फ्रॉम द ग्लेशियर, ये आइस है जो के बड़े ग्लेशियर से अलहदा हो जाती है अलोंग विद ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, और इसके साथ जो है ट्रांसपोर्टेड मटेरियल भी जो है वो, चूंकि आइस अलहदा होती है बड़े ग्लेशियर से, तो आइस के साथ जो है ट्रांसपोर्टेड मटेरियल जो कैरी किया हुआ होता है वो भी इसके साथ, आइस के साथ अलहदा हो जाता है। फ्लोट अ वाइल इन द कोल्ड सीज, और ये जो आइस है ये उसमें कोल्ड सीज में जो है ये फ्लोट तैरती है, फ्लोट करती है। ऑन रीचिंग वार्मर वाटर्स आइसबर्ग्स मेल्ट डिपॉजिटिंग द लोड ऑन सी फ्लोर। जब ये आइस गर्म वाटर में यानी वार्म वाटर के ओशंस तक जो है ट्रेवल करके पहुंचती है, तो वहां पर जो है ये आइस मेल्ट हो जाती है और इनका मटेरियल जो है वो सी फ्लोर में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये 5 फीचर्स थे डेपोजिशनल फीचर्स, जो कि ग्लेशियर के डेपोजिशन यानी इसमें जो है डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स भी इनको कहा जाता है, जब आइस उसमें ट्रेवल करके फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन से वैलीज में पहुंचती है, तो वहां पर ये फीचर जो है ये क्रिएट होते हैं। दीज आर कॉल्ड द डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। आज के लेक्चर में हमने ग्लेशियर को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है तीसरा लैंड फॉर्म, थर्ड लैंड फॉर्म चेंज एजेंट, जो कि एयर है, एयर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा।
अगर आप को कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हुई हो तो आप लेक्चर को एक से ज़्यादा मर्तबा भी जो है लिसन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।